दिल जगाता तारनहार तू या विश्वाता पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्त जी का मना पुरहिता महाद्वार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पहुंच चुका हूं ग्राम कुमरदा साई मूर्तिकार के पास। जैसे गाइस आपने पिछला व्लॉग में देखा था कि सिर्फ गणेश भगवान की मूर्ति बनी हुई थी, कलर नहीं हुआ था, तो अभी मैं फिर से आप लोग को गाइस मूर्ति दिखाने वाला हूं और पूरा कंप्लीट हो चुका है, कलर हो गया है। तो गाइस आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं, प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना, बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये वाला व्लॉग। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग को बता दूं, आप लोग ने पिछला व्लॉग को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए थैंक यू सो मच। तो इस वाले व्लॉग को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार देना। और फ्रेंड्स, आप लोग बहुत पूछते हो कि ग्राम कुमरदा कहाँ है, तो सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और चलिए अब अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अब आप लोग को सारी मूर्ति अच्छे से दिखाने वाला हूं, इसलिए व्लॉग को पूरा देखना, स्किप मत करना, और एकदम डिटेल से दिखाने वाला हूं, क्योंकि देव हीरवानी जी की मूर्ति बहुत ही गाइस सुंदर होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई होती है। फर्स्ट मूर्ति दिखा रहा हूं गणेश भगवान जी का, और गणेश भगवान जी सिंहासन में बैठे हुए हैं, चेक करिए। वाह सरकार, आप देख सकते हो ऊपर में मूसक जी है और राइट साइड है रिद्धि सिद्धि और नीचे में है शुभ लाभ। और फ्रेंड्स, ये वाली मूर्ति देख सकते हो आप, पूरी फैमिली के साथ है गणेश भगवान जी और बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा डिटेलिंग दिखाता हूँ गणेश भगवान जी का। वाह, जो नीचे में बैठे हैं ये है शुभ लाभ, और फ्रेंड्स चेक करिए बहुत ही प्यारा बना हुआ है। वाह, और कलर की तो गाइस बात करनी पड़ेगी, देख सकते हो आप कलर कितने अच्छे तरीके से हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ऊपर से एकदम दिखाते हुए ला रहा हूँ। अब ऊपर है मूसक महाराज जी हैं और बीच में गणेश भगवान जी हैं, और आप लोग को अब गणेश भगवान जी की एकदम नेचुरल कलर पास से दिखाते हैं, और देख सकते हो आप एकदम नेचुरल कलर, एकदम मतलब फिनिशिंग एकदम अच्छे से हुआ है। और देख सकते हो सजावट भी एकदम गाइस प्यारा लग रहा है और एकदम कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो पूरा वेशभूषा के साथ तैयार है गणेश भगवान जी, गणपति बप्पा मोरिया, और गणेश भगवान जी अपनी फुल फैमिली के साथ है। देख सकते हो नीचे में है शुभ लाभ, राइट साइड में है रिद्धि सिद्धि। तो आप लोग को कैसा लग रहा है चेक करके बताइए। और फ्रेंड, चलिए अब आप लोग को सेकंड मूर्ति दिखाते हैं। वैसे तो आप लोग ने देख लिया था पहले भी, लेकिन अब पूरा कलर हो चुका है अच्छे तरीके से, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। इस साइड देखिए गणेश भगवान जी, और कलर जब हुआ है तो देखिए कितना निखर के आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देव आर्ट कुमरदा। सो फ्रेंड्स, चेक करिए गणेश भगवान जी का फाइनल लुक। वाओ, और फ्रेंड्स आप लोग चेक करके बताइए, आप लोग ने इस टाइप से मूर्ति कहाँ देखी होगी। ये है सुग्रीव जी और इस तरफ है गणेश भगवान जी, दोनों कोई बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और देव हीरवानी जी बहुत ही सुंदर तरीके से गणेश भगवान की मूर्ति को बहुत ही स्पेशल बनाए हुए हैं, और आप लोग को कैसा लग रहा है चेक करके बताइए। गणेश भगवान जी मस्त रुद्राक्ष गले में है, हाथ में है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सुग्रीव जी के भी गले में रुद्राक्ष है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और गाइस कलर की बात करें तो पूरा नेचुरल कलर है, जैसे जैसे व्यक्ति का रहता है उस टाइप से ही एकदम, देख सकते हो। वाओ, सुग्रीव जी के हेयर का कलर देखिए एकदम रियल लग रहा है, और इनकी जो फिनिशिंग टच है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हो आप। और ये मूर्ति देख के मैं भी सोचें पड़ गया हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत जगह मूर्ति देख के आया हूँ, लेकिन यहाँ की मूर्ति देखकर दिल खुश हो गया। और आप लोग को भी कैसा लग रहा है बताइए। एकदम फाइनल लुक रेडी हो चुका है, और अब और देख सकते हो हाथ में बड़े बड़े कड़ा सब फैले हुए हैं सुग्रीव जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और पीछे तरफ देखिए बैकग्राउंड
जंगल में बैठे हुए हैं गणेश भगवान जी और सुग्रीव और वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये वाली मूर्ति को देखकर। और सुग्रीव जी के गाइस देखिए हाथ को इतना बारीकी से हुआ है काम, और बस देखिए वाओ। और आप लोग को पता होगा जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो यहाँ पर पेड़ में गिलहरी बैठे हुए बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो हर चीज़ को एकदम ध्यान देके बनाए गए हैं। और गिलहरी एकदम ऐसा लग रहा है कि छलांग मारने ही वाला है, वाओ। और ये वाली मूर्ति देखकर ऐसा लग रहा है कि जंगल में बड़ा सा पेड़ कटा हुआ है और उसके ऊपर बैठे हुए हैं सुग्रीव जी और गणेश भगवान जी और मस्त बात कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गाइस। और पीछे तरफ से थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ आप लोग को, वाओ। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूँ 2024 की ये बेस्ट मूर्ति होने वाली है, क्योंकि देख के ही ऐसा लग रहा है कि पूरा भव्य रूप से, मतलब जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, वाओ। और देखिए फिर से मैं आप लोग को इसलिए इतना डिटेल दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि गाइस मूर्ति बनाने में कितना मेहनत लगता है और कितने अच्छे तरीके से पूरा कलर एंड सब चीज़ को दर्शाया जाता है। और अब मैं आप लोग को थर्ड मूर्ति दिखाता हूँ गणेश भगवान जी का, कमल फूल में बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों ने ये वाली मूर्ति तो ज़रूर देखी थी होगी और अब कलर हो चुका है, फाइनल लुक एकदम रेडी है और मस्त स्माइल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है गणेश भगवान जी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और वाओ फ्रेंड्स कमल फूल चेक करिए, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और ये वाले गणेश भगवान जी एकदम मस्त स्माइल कर रहे हैं और क्या ही गजब लग रहा है, उनकी आंखें देखिए वाह। और यहाँ की जितनी सारी मूर्ति मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ सभी मूर्ति बहुत ही सुंदर सुंदर है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ की मूर्ति जो कि देव हिरवानी जी बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उनकी कला की तो गाइस बात करनी पड़ेगी, जो इतना सुंदर रूप देते हैं गणेश भगवान जी का, देख सकते हो आप क्या ही खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स ये वाली मूर्ति चेक करिए, ये भी एकदम बन के रेडी है और आप लोग को फाइनल लुक दिखा रहा हूँ मैं कलर होने के बाद, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाली भी मूर्ति, वाओ। पास से आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, और ये वाली भी गणेश भगवान की मूर्ति मैं आप लोग को पिछले व्लॉग में दिखाया था और अब कलर हो चुका है, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को, वाओ। और फ्रेंड्स ये वाली मूर्ति भी देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और अब मैं आप मतलब देव भैया के पिताजी से मिलाना चाहता हूँ। आपके नाम का है? मोर हीरालाल हिरवानी। तो संगवारी हो जानथन अंकल से
यहाँ के बारे में? सबसे पहले तो मैं भैया मल्ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, गणपति अप्पा मोर ढाल ले। तो अभी का है दे सब मूर्ति उर्ति बना निकर्मन के सब तैयारी चलत है और धीरे धीरे लगे हैं। एक बाद में अपन जो माता रानी के मूर्ति है मतलब भी तैयार करना है साथों साथ, और ऑर्डर तो बहुत है इस, लेकिन का है हमने होली त्योहार मान के ऑर्डर बंद कर दें, काबर हमारे पास में टीम नहीं है ओते काम करे के, ये नहीं है हमारे पास में, घरे घर के अपन कमाथन काम करथन हमन हा। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोग को यहाँ की सारी मूर्ति दिखा दिया हूँ, और अब चलिए पप्पू भैया से बात करते हैं। पप्पू भैया देख सकते हो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं उनसे और जानते हैं गणेश भगवान जी के बारे में डिटेल में। नमस्कार भैया, जय जोहार। नमस्कार भैया, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और भैया बताइए क्या क्या काम चल रहा है यहाँ? अभी तो सब आँख वगैरह खुले बचे हैं, हाँ। बाकी सब पेंटिंग काम तो हो गया गणेश जी के, और तो बस ये चार पांच मूर्ति है जेकर आँख वगैरह खोला था अभी। और आप मन इतना सुंदर सुंदर मतलब बना हो गणेश भगवान जी, तो का कहना चाहूँ मतलब एक बारे में? अब एक बारे में जैसे तो... कि भगवान जी के कलर हो गए, सब चीज हो गई, मतलब इतना प्यारा लगा थे दिखैया मतलब भी, और सब मन एकदम तारीफ करते थे बारे में कुछ काम। सबसे पहली बात तो जो हमार वीडियो ला देखा थे है ना, मूर्ति ला पसंद करा थे, हाँ। वो भाई मन ला घलो मैं अपन तरफ से शुक्रिया करना चाहत हूँ है ना। तो भैया मन हा ऐसी मैं दुलार देते रहू ताकि हमरो मन के कहे उत्साह बढ़ी है ना, बस इतना कहना चाहत हूँ। और मूर्ति में तो यार कहे इंटरेस्ट ले करो है ना, तो अच्छे ही होते, हाँ। तो समय के साथ साथ भी करना पड़ते इसे काम। और मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब कहाँ कहाँ से कॉल आते और कैसन कैसन मतलब डिमांड रहते मूर्ति के? ऐसे तो कहाँ कहाँ से कॉल आते मतलब? ऐसे तो फोन तो बहुत जगह आते, मतलब बाहर बाहर से भी आते, बाहर बाहर से भी आते फोन वगैरह, और ज्यादा तो बोलना नहीं चाहूँ, लेकिन कहे अपन महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र क्षेत्र है, उड़ीसा है ना, बालाघाट ये तरफ बहुत दूर दूर से आते हैं फोन, हाँ। तो दूरी कारण भी कई जन आदमी मन का है, थोड़ा से आए बार थोड़ा सा झिझकते है इतना दूर आके मूर्ति ले जाना ऐसे टाइप के, और खैर ऐसे तो पास पास की मूर्ति सब तो संगवारी हो। मैं आप मतलब पिछला वीडियो में दिखा रहा हूँ जब कलर नहीं हो रही से, और अब देख कलर हो गए है तो कितना प्यारा लगा थे। और भैया के भी चैनल है, का नाम है भैया? मोर आईडी है पीके आर्ट्स के नाम से, जिमे मैं वीडियो वगैरह डालत रहता हूँ अभी, और यूट्यूब चैनल भी है देव, देव हिरवानी मूर्तिकार के नाम से मोर यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो अगर आप मान ला मूर्ति देखे शौक है तो देव हिरवान, देव हिरवानी मूर्तिकार के नाम से है, तो जरूर आप मैं सर्च करके देख लू, बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो आते हो में भैया के। और भैया से बात करके बहुत अच्छा लगी मोला, आप मान ला कैसे लगी जरूर बताओ। तो वीडियो यहीं पर खत्म करता, मिलता नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, गणपति अप्पा मोरिया।